हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज का व्लॉग थोड़ा सा अलग है और उसमें मैंने मेरे बच्चे के लिए मेमोरी क्रिएशन के लिए सोचा है और ये सोचा है कि हम उसके लिए मैं कुछ स्पेशल करूँ। स्पेशल मतलब हम जब भी वो बड़ा हो जाए फिर हम उसको देखें तो एक याद बनी रहे कि याद करके बैठे थोड़ी देर सोचे कि ओके हाँ हम लोगों ने इसे किया था ऐसे किया था और फिर वो हैप्पीनेस ही अलग होती है उसकी। तो बस यही मैंने इस वीडियो में बनाने के लिए सोचा है। प्लीज़ देखिए मैंने क्या बनाया है और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और पास में बेल आइकॉन भी रहेगा उसको जरूर दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो आपको जल्दी से पहले देखने को मिले। थैंक यू। आयुष की राइटिंग पैटर्न देखे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली हमने क्या मेमोरी क्रिएशन करने की कोशिश की है। मैंने उसको बोला है आपको जो भी कलर पसंद है उनसे लिखिए, तो वो ऐसे ही कर रहा है। इसमें आपको येलो वीडियो में थोड़ा विजिबल नहीं है, सो सॉरी फॉर दैट, बट लास्ट में आपको ज़रूर दिखेगा। इसकी लिखने की पैटर्न थोड़ी डिफरेंट है और ये आप एक एक फॉन्ट देखेंगे तो लास्ट में आप जब ये आउटकम्स आएगा तो उसका मोटिव भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या मैजिक है और क्या मेमोरी क्रिएशन है। आयुष की एक अच्छी चीज़ ये है कि वो जब भी कुछ सीखता है तो वो देख के सीखता है, वो यूजुअली किसी की हेल्प नहीं लेता है। वो हमेशा यही बोलता है मैं ही करूँगा, तो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। वो इंडिपेंडेंट है, काफ़ी कुछ अपने आप ही सीख रहा है। इवन ये ABC भी वो अपने आप देख के ही सीखा है, अपने आप ही वो कैसे लिखना है वो समझता जाता है और लिखता जाता है, तो मुझे उसमें थोड़ी यूनिकनेस दिखती है। दैट्स अ गुड थिंग फॉर एवरी किड्स अगर वो अपने आप ही आगे बढ़ते हैं तो, और पेरेंट्स यही चाहते हैं। अगर बच्चे अपने आप ही सीखते हैं तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी बढ़ता है, ब्रेन डेवलपिंग भी अच्छा होता है। तो मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि आयुष जैसे अभी कर रहा है आगे भी वो ऐसे ही अपने आप ही सब कुछ करे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये राइटिंग पैटर्न का ड्राइंग हमने अराउंड 2 महीने पहले ही बना लिया है और फिर बाद में रख दिया था क्योंकि हमें उसको न्यू ईयर में गिफ्ट देना था। ये उसकी फर्स्ट राइटिंग पैटर्न है। तो ये हो गया हमारा राइटिंग पैटर्न का एक ड्राइंग। लेट्स सी व्हाट वी विल डू विद दिस। और आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही अच्छी मेमोरी क्रिएट करने के लिए जो आयुष भी बड़ा होके देखेगा तो उसको भी हंसी तो आएगी पर बहुत याद भी रहेगी। Thank you. Say thank you. बस पहुंच ही गए हैं, लिफ्ट बंद है तो थोड़ा चलना है। डिजाइन सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। जब तक आयुष का स्पेशल गिफ्ट रेडी होता है हम देखते हैं। यहाँ पे ये शॉप में फ्रेम्स बनाते, कस्टमाइज पिलोज बनाते और डिफरेंट लाइटनिंग वाले गिफ्ट्स बनाते हैं। फिर आप मैरिज के लिए अगर या तो किसी स्पेशल डे के लिए, सरप्राइजेस के लिए, जो भी आपके आइडिया है उसके हिसाब से भी ये लोग बना के देते। जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी यहाँ पे और काम काफ़ी नीट है। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कट कर रहे? क्या कट कर रहे? अरे काट दिए, ABCD काट दिए आपकी। अब क्या करेंगे? आई विल राइट अगेन। आपको आइडिया आ ही गया होगा कि मैंने क्या सिलेक्ट किया है, पर डिजाइन कौन सा है उसके लिए तो आपको और मुझे दोनों को वेट करना पड़ेगा। तब तक हम लोग आयुष को घुमा लेंगे, उसको बहुत मजा आता है ये कार में बैठना और जब भी मॉल में जाओ तो ये सब चीज़ें पक्का उसको करना ही है। जो भी राइड्स है वहाँ पे ही विल एंजॉय। आवर सरप्राइज इज रेडी, सी मैजिक। ओह
What is that? Yes. But what is that? Who write this? In the book, A B C D. Yes. A B C D. Yes. सेम ए बी सी डी सी किसने लिखा था ये ए बी सी डी आयुष ने लिखा था हाँ अच्छा है इट्स एक्चुअली लुक्स नाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फोन्स तो सही लिखे नहीं है फिर भी ये कप में मेमोरीज क्यों बनाए उसके जी हाँ मुझे उसके उल्टे सीधे अक्षर को ही याद रखना है आपने देखा वो जब एस लिखता है तो पहले सन ड्रॉ करता है सन को लिटरली वो ड्रॉ करेगा फिर वो एस लिखता है वो भी उल्टा तो वो मेरे लिए स्पेशल है सही लिखने के बाद तो सब कुछ भूल जाएंगे और गलती से ही सीखते हैं वो एक मैसेज है मेरे बेटे के लिए ठीक से पकड़ो दो हाथ से yes.